हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के जो एग्जामिनेशन है वो 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, पर उसी के बीच एक न्यूज, चाहे आप नोटिफिकेशन कहो या नोटिस कहो या कुछ भी कहो, काफ़ी वायरल हो रहा है इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ, कोशिश मेरी यही है। तो इसलिए मैंने, आप देख सकते हो थंबनेल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के नाम से है। तो अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं या रेगुलर के या NCVAP के, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, बताने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसका फ़ायदा ये है कि मेरी आने वाली न्यू अब वीडियो और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। तो अब आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में ये है कि स्टडी कहाँ से की जाए, नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे, स्टडी मटेरियल कहाँ प्रोवाइड होगा। तो उस सब का समाधान मैंने निकाल दिया है। मैंने दो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करे हैं और ये दोनों लिंक हमारी फैकल्टी यानी कॉलेज अपडेट्स और कॉलेज अपडेट्स हेल्पलाइन के नाम से है। ये दोनों टेलीग्राम चैनल है बेसिकली, एक डिस्कशन ग्रुप हो गया और एक आपका अनाउंसमेंट ग्रुप हो गया। इन दोनों को आप ज्वाइन कर ले अगर आप SOL, NCVAP या रेगुलर के स्टूडेंट हैं। मोस्टली SOL के अगर आप स्टूडेंट हो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि SOL के स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि मैं इस ग्रुप पर प्रोवाइड कराता हूँ। और नोट्स हो, आपके स्टडी मटेरियल हो या अदर क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ भी, सारा मैं इसी पर डिस्कस करता हूँ और मैं खुद यहाँ पे आपसे बात भी करता हूँ। तो इसलिए इसे ज्वाइन ज़रूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप सर्च भी कर सकते हो, लोगों सेम है जो चैनल पर पढ़ा है। तो अब ये रही चैनल टेलीग्राम की बात, अब बात कर लेते हैं कि जैसे आप सभी को पता होगा एग्जामिनेशन जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो एक 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 हफ्ते पहले से ही काफ़ी स्टूडेंट की ये मांग भी थी कि कहीं ना कहीं कोविड बढ़ रहा है तो एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपकी मांग थी, कुछ 1-2% स्टूडेंट ऐसे थे जो चाहते कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाए। तो 1 से 2 दिन पहले एक आर्टिकल छपा था और बेसिकली वो आर्टिकल सच था जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उसमें ऐसा है, कुछ यूनियन, मतलब कुछ स्टूडेंट यूनियन और कुछ टीचर के यूनियन ने एक लेटर लिखा था वाइस चांसलर को और MHA यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को, अफेयर को भी लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मई के जो एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी करा रहा है, इसको तत्काल रूप से स्थगित कर दिया जाए। इसका रीज़न क्या दिया उन्होंने कि कोविड बढ़ रहा है और 500 से ज़्यादा जो हमारे फैकल्टी के जो टीचर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कोरोना संक्रमित है टीचर, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। तो इसी का हवाला देते हुए ये तत्काल मांग उठाई गई ताकि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए, मैं यहाँ पोस्टपोन शब्द का यूज कर रहा हूँ, कैंसिल का यूज नहीं कर रहा। पोस्टपोन का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, जैसे कोरोना ठीक हो तो एग्जामिनेशन करा लिया जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट तो इस बात से खुश होंगे, ठीक है, पर काफ़ी स्टूडेंट के इस बात को सुन के काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेशान भी है, क्योंकि एक अच्छा चांस, मैं इसे क्यों कहूँगा, क्योंकि घर से एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर किसी तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो आज एक नोटिस आया, नोटिफिकेशन आया जो कि कल ही आ गया था, मैंने आपको शेयर कर दिया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न कर दी और उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि हम 15 मई से एग्जामिनेशन कराएंगे। बट अभी भी स्टूडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच बातें चल रही हैं, हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा पोस्टपोन होंगे, हो सकता है 90% चांस है आपके एग्जामिनेशन होंगे, 10% चांस है कि इनको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। पर अगर 10% भी अगर होता है पोस्टपोन, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही नुकसानदेह है। क्यों है? एक तो आप जितना लेट आपका एग्ज़ामिनेशन होंगे उतने ही लेट आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ओपन बुक के सिवा अगर ऑफलाइन में जाते जब कोरोना ठीक होता है,
तो कहीं ना कहीं इसमें आप ही का नुकसान है, वो आप समझ सकते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बाकी आपको सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इससे वो कहीं ना कहीं हार्ड है। ठीक है, घर से खुश हो, चाहिए घर में, तो हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं घर से एग्ज़ाम दूँ, और देखिए सबका जो सपना है, जो विशेष है, वो पूरी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड होना, मेरे ख्याल से तो पोस्टपोन्ड होना नहीं चाहिए, पर न्यू नोटिस या नोटिफिकेशन जो कि अब धीरे धीरे आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसी के बीच काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, या यूट्यूबर हैं, या कुछ ऐसे यूट्यूबर जिनको देख देख के स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं या 100% पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि जब इतने गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे IAS हो गया आपका या स्टेट PSC हो गया, SSC हो गया, जब वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, ये तो एक कॉलेज का एग्ज़ाम है, क्यों नहीं पोस्टपोन्ड हो सकता। तो मैं कभी चैलेंज नहीं करता कि ये पोस्टपोन्ड नहीं होगा, पर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं आता पोस्टपोन्ड को लेकर, तब तक यही मान के आप चले कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इधर उधर की वीडियो देख लेते हैं या न्यूज़ पढ़ लेते हैं, और वो यही समझते हैं कि अब तो कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हमारे नहीं होंगे, क्यों मैं घर में बैठ के अपना सर बुक के ऊपर मारूं, उससे बढ़िया तो मैं कहीं अपना घर में अंदर ही कुछ इंटरटेनमेंट करूं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, इसलिए मैंने भी आज कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं 90% चांस आपके है कि एग्ज़ामिनेशन होंगे ही होंगे, 10% ऐसा है। देखिए 10% में कैसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाएगा, ठीक है, और कोविड तो आपको पता है बढ़ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी मजबूर होना पड़ सकता है। पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो, कहीं ना कहीं आपकी साल भी बर्बाद हो, ठीक है। अगर लेट एग्ज़ाम हुआ तो लेट रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि पिछली साल देख लो आप इतना डिले होता गया, कहाँ हम एग्ज़ाम मई जून में होते थे फाइनल ईयर वालों के, अगस्त सितंबर में हुए, रिजल्ट जनवरी फरवरी अभी तक रिजल्ट आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो ये खिलवाड़ हो जाएगा अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते हैं तो, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, पोस्टपोन्ड नहीं होने चाहिए, हम तो ये मांग करते हैं। बाकी आप अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपका जो ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा, आप क्या चाहते हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बाकी अगर पोस्टपोन्ड होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, इसका भी रीज़न दो, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से OB यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बंदा घर में बैठे बैठे कोरोना पॉजिटिव हो जाए, ये तो मैं नहीं मान सकता। अगर घर में हो रहा है तो फिर तो भाई दुनिया में कहीं भी चला जाए, फिर तो कहीं नहीं बचेगा। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ अफवाहों से बचें, जब तक ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप यही मान के चले कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं छोटी से छोटी अपडेट आपको देता हूँ और देता रहूँगा और देता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं अदर यूट्यूबर की तरह हूँ या मुझे कुछ लालच है जो मैं बार बार आपको वीडियो बना के दूँगा, ऐसा नहीं है। आप खुद देख लीजिए और यूट्यूबर हो या कुछ भी हो, उनकी एक एक दिन में 10-10 वीडियो आती है, मेरी एक या दो दिन में एक वीडियो आती है जब कोई अपडेट होता है तब। फालतू वीडियो बनाने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि पहली बात मैं खुद एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप UG के हैं, मैं PG का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फेक न्यूज़ में ना पड़े, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान है। कोशिश कीजिए जो ऑथेंटिक, जो असली जो न्यूज़ होती है, जो रियल जो न्यूज़ होती है, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ले, चाहे आप गूगल का इस्तेमाल करें, चाहे SOL की साइट या दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएँ, वहाँ पढ़े, उस नोटिस की गहराई तक जाए क्या है क्या नहीं है, तब जाके आप कोई कमेंट करें या कोई आगे बात बढ़ाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से ही ये पोस्टपोन्ड की न्यूज़ जब से फैली है, तब से ही हर स्टूडेंट के मन में यही बात आ रही है कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड होंगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का।
पर मेरा मानना ये है कि जब आपने यहाँ तक की स्टडी करी है तो और कर लोगे, अगर पोस्टपोन्ड हो भी जाते हैं तो इसमें तो मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तो इसमें आप अच्छे से तैयार हो जाओगे। जब भी एग्ज़ामिनेशन अगर पोस्टपोन्ड या होते हैं तो आप डबल मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी मेहनत करके भी अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मैं इसीलिए बार बार यही कहता हूँ कि स्टडी करते रहे, कंटिन्यू रखे, क्योंकि जितना आप पढ़ लो के लिए उतना ही आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि आप जो स्टडी करते हो ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एहसान नहीं कर रहे कि मैं आज किताब पढ़ूंगा तो मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये आप खुद अपने लिए ही कर रहे हो। अगर आप अभी से तैयारी कर लोगे, बेशक बाद में पोस्टपोन्ड होते हैं ठीक है, तो कोई उसमें आपका नुकसान नहीं है। फिर इससे क्या होगा, जब भी एग्ज़ामिनेशन होंगे तो आप थोड़ी सी मेहनत में, आपको पूरा पहले से पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब बात आती है, काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये बात है कि अगर पोस्टपोन्ड होते हैं उसके बाद क्या ओपन बुक से ही होंगे। देखिए, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? अगर जब कोविड के हालात ठीक होंगे तभी एग्ज़ामिनेशन लेंगे, मान लो अगस्त सितंबर में जाके, तो ओपन बुक क्यों होंगे? आप खुद सोचिए, जब अभी ओपन बुक को जब ये पोस्टपोन्ड करेंगे, वैसे अगर इनके विचार में आता है पोस्टपोन्ड का, अभी तो नहीं है पोस्टपोन्ड, तो कहीं ना कहीं ये ओपन बुक की तरफ तो नहीं जाएंगे, ऑफलाइन कराएंगे ठीक है। बाकी अभी सबसे अच्छा मौका मेरे ख्याल से तो यही है कि अभी पोस्टपोन्ड ना हो। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, हवाला दिया जा रहा है नीट जेई के एग्ज़ामिनेशन का, गेट के एग्ज़ामिनेशन का, कि जब ये पोस्टपोन्ड हो सकते तो ये क्यों पोस्टपोन्ड नहीं हो सकती। पर मेरा मानना यही है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले साल इतनी महामारी के अंदर पेपर कंडक्ट करके दिखाए, तो मुझे लगता है इस बार भी वो सफलतापूर्वक पेपर कंडक्ट करा लेगी सेफली, जब उन्होंने आज के नोटिस में भी कहा है। बाकी बातचीत जारी है, देखो क्या फैसला आता है। बाकी मेरे ख्याल से कि पोस्टपोन नहीं होंगे ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा अगर पोस्टपोन होंगे, और इसीलिए इधर उधर अगर कोई आपसे कहता है पोस्टपोन होने की न्यूज़, तो बिल्कुल भी उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है, इसमें मेरा तो ना कुछ जाएगा ठीक है। और हाँ, अब एक बात और बात कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट बार बार ये मांग कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, कि सर क्या आप एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर नोट्स प्रोवाइड कराओगे या आंसर प्रोवाइड कराओगे। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये मानिए, समझ के चलिए आप, आपको पता है मैंने ये जो टेलीग्राम चैनल है मैंने किस रीजन से बनाया। सबसे पहला रीज़न ये है कि जितने भी SOL के NCVAP के ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई ग्रुप नहीं था, जिनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती थी, इस चैनल के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एग्ज़ामिनेशन टाइम पर हम सब मिलकर एक यूनिटी की तरह, सब मिलकर अगर हम साथ मिलकर अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें, मतलब जैसे एग्ज़ामिनेशन टाइम पर अगर किसी को पहले आंसर मिलते हैं वो उस चैनल पर शेयर कर दे, उसी सब्जेक्ट का अगर किसी और का पेपर हो रहा होगा तो उसको आंसर मिल गए, तो पेपर तो सब में सेम आएगा किसी एक सब्जेक्ट का, तो उसे मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप और हम मिलके ये जो फाइनल ईयर का जो बैच है सफलतापूर्वक इसको ग्रेजुएट करा सकते हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इसमें मैं अकेला नहीं, आप सभी को भी हमारा साथ देना होगा, तो ही हम कहीं ना कहीं जो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसका हम सफलतापूर्वक फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना आप ये सोचो कि सब चीज़ मैं ही करूं, मैं ही नोट्स डालूं या मैं ही आंसर प्रोवाइड कराऊं, ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको भी साथ देना होगा, क्योंकि आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप भी ग्रेजुएट हो जाएंगे जब ये एग्ज़ामिनेशन दोगे ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी जो ज्वाइन है प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बार बार ये ना पूछा करें कि क्या आप आंसर प्रोवाइड कराओगे या नहीं कराओगे। देखिए मैंने क्या कहा, BA प्रोग्राम, BCom हो चाहे आपके हॉनर्स हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा जितना मेरे से होगा, बाकी और जितना होगा वो आपके ऊपर है।
ये मान के चलिए 70% मेरा होगा, 30% आपको कहीं ना कहीं हेल्प करनी होगी। तो इसीलिए सभी जब तक मिलकर एग्ज़ामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक एग्ज़ामिनेशन हमारा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बाकी और हाँ एक बात और मैं आपको शेयर कर दूं कि जैसे आप सभी के ये डाउट भी ये होते हैं कि सर ये जो नोटिस वगैरह आते हैं ये SOL की साइट पे क्यों नहीं आते। देखिए ऐसा है, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिसर साइट पे अनाउंस होते हैं, उसके बाद ये SOL की साइट पे 1 से 2 दिन के अंदर अनाउंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, मैं शेयर कर दे करूँगा, वैसे ही तो मैं वीडियो बना दूँगा। बाकी अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट होगा, देखिए अभी टाइम टेबल आया था मैंने उसकी भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, और वो इम्पोर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो रेगुलर के भी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर अब रेगुलर का कुछ नहीं बताता, देखिए जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को के बारे में बता रहा हूँ तो कहना कहीं आपका भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी भ्रम में ना फैले। और हाँ एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वैसे भी कोविड बहुत बढ़ रहा है तो अब सेफ्टी ज़रूर रखें अपनी, ठीक है। और कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मुझे लगता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर कोई नहीं, मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी अवेलेबल करा सकूँ। बाकी हाँ जो आपका एडमिट कार्ड है SOL वालों का, वो एग्ज़ामिनेशन से 1 हफ्ते पहले आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपको बता दूँगा, अगर पोस्टपोन्ड होते वो भी मैं आपको बता दूंगा। चांसेस 90-10 का है, 9:1 का मैंने आपको बता दिया, 90% होंगे, 10% पोस्टपोन्ड होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल में तो फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, पोस्टपोन्ड होंगे यानी कुछ टाइम बाद कराए जा सकते हैं। देखते हैं जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन या जैसे अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आई थिंक मुझे वीडियो इतना ही रखना चाहिए क्योंकि काफ़ी बात आपसे हो चुकी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी लाइक करें, बाकी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।